आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हर जगह ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं छतरपुर में मतदान के बाद ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश भंडारी ने अपने देखरेख में किए हैं। छतरपुर में स्ट्रांग रूम की सख्त निगरानी के लिए एसएफ की टीम तैनात है। वहीं सीसीटीवी कैमरे से भी सख्त निगरानी की जा रही है। छतरपुर के निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों से भी अनुरोध किया है कि सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है, फिर भी अगर कोई कुछ सुधार बताएगा तो वह भी करेंगे। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सुरक्षा होती है। अंदर सीपीएमएफ है और सीपीएमएफ भी 24/7 पे करती है, सीसीटीवी कैमरे हैं। साथ में बाहर हमारा एसएफ का फोर्स लगा है और हमने ये भी कहा है जो प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग यदि बाहर किसी को रखना चाहते हैं तो उनको भी अनुमति दी जा रही है। जिन जिनके आवेदन आ रहे हैं उनको पुलिस तंत्र के आवेदन दे रहे हैं। सुरक्षा की पूरा इंतजाम है और रोज़ हमने ये माना है कि रोज़ मैंने डीओ को और एसपी को रोज़ आना है। आप लोगों से भी हमने आग्रह किया है कि आप भी समय निकालें आके स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करें ताकि आप देख सके कि किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि स्ट्रांग रूमों में गड़बड़ी हो रही है। सागर में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के यहाँ मशीनें पकड़ी गई हैं और वहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं। इसी प्रकार सतना में देखिए आप, वहाँ पे यही स्थिति है। तो क्या हो रहा है, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है और ऐसा चुनाव मैंने पहली बार देखा है कि जो जनता और प्रत्याशी अन्य पार्टी के घूम रहे हैं और निर्वाचन कराने वाले अधिकारी भाग रहे हैं, उनको बता दिए हैं। निष्पक्षता होना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है निर्वाचन आयोग के ऊपर कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सेटिंग है इन अधिकारियों से, या ईवीएम मशीन में बदलाव की संभावना ज़्यादा प्रदेश में दिख रही है। अंदर जो देखने गए हैं अभी सही पाया गया है। छह विधानसभा का निरीक्षण किया माननीय कलेक्टर महोदय के साथ, तो सही पाया गया है। और जिला निर्वाचन अधिकारी माननीय कलेक्टर महोदय पर हमें भरोसा है हम लोगों को कि निष्पक्ष काम होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।